लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। शिरो और मेरा एक जैसा हाल है। आज हम देखेंगे कि शिरो अपना दिन कैसे बिताता है। शिनचान, अरे शिनचान कब तक सोते रहोगे, चलो उठो। अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो फिर से तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी, चलो जल्दी उठो। उठो बेटा, जल्दी करो। अगर स्कूल की बस निकल गई तो आप है ना मुझे साइकिल पर छोड़ने के लिए। देखो बेकार की बातें करना बंद करो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, चलो। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, उठो। जब आप छोटी थी तो क्या आप जल्दी उठती थी, बताइए मैम। हाँ बिल्कुल, मैं रात को जल्दी सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी। अब तुम भी उठ जाओ, चलो। छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो शिनचान। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। देखो शिनचान, अगर तुम फौरन स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। तो शिरो का दिन शुरू होता है कुछ ऐसी ही आवाजों के साथ। जाओ पहले नाश्ता कर लो। शिरो की जिंदगी कितनी अच्छी है। हर किसी को लगता है डॉग्स की जिंदगी आसान है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्यों है ना? ये सूप तो बहुत ही अच्छा था मम, लेकिन थोड़ा और गाढ़ा होता तो मजा ही आ जाता। हाँ इतनी देर हो रही है, शिनचान इतने आराम से मत खाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी मुंह चलाओ और उसके बाद जाकर अपने हाथ धो लेना, जल्दी करो, चलो। अगर आप इतना जल्दी करने को कहेंगी तो मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा जल्दी करो। अरे 8 बज गए, अब तो बस भी आने वाली होगी। अरे लगता है बस आ भी गई। तुमने अपनी सारी किताबें रख ली है ना बेटा? हाँ रख ली। और लंच बॉक्स बैग में डाल लिया है? वो क्या होता है? जो पूछा है उसका जवाब दो। आप सुबह सुबह कितने सवाल करती हैं मैम? जी जी आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग कहो बेटा, आज तो तुम समय पर तैयार हो गए। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका कुछ नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा। वैसे ये बात तो पक्की है कि इस सब के बीच शीरो का खाना रह जाएगा। मुझे साइकिल चलाने में परेशानी होती है। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम। आखिरकार घर पहुँच ही गई। अरे शीरो कैसे हो तुम? मुझे बहुत सा काम करना है। देखा आपने, मित्सी खाना देना भूल गई। काम से पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बेचारा शिरो, किसी को इसको खाना देना याद ही नहीं रहता। इतनी देर हो गई, ओहो बहुत सारा काम पड़ा है। लगता है शिरो को खाना मिलने ही वाला है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो आप इसमें पनीर डाल सकती हैं। हाँ आज तो ये नई डिशेस बनाना सिखाने वाले हैं, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस घर में बच्चा हो या बड़ा हर कोई एक जैसा है। मैं कह रही हूँ इसे छोड़ दो शिनचान। यहाँ इसे पकड़ो। अरे ये बहुत महंगा था। ये अच्छी बात नहीं है कजामा, तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है। तो ये थी सारी कहानी। ये तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अरे तुम फिर यहाँ आ गए, ये लो। अरे 12 बज गए हैं। हाँ मैंने शिरो को खाना नहीं दिया। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। शिरो शिरो ये देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ये तुम्हारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। चलो अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से खा लो, चलो चलो खाओ।
वेलकम बैक मॉम। शीरो खुश है, शायद शिनचैन इसे घुमाने ले जाए। शीरो तुम ठीक तो हो ना? ओ, 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 चलो फिर बाय। बहुत बुरा हुआ, वैसे भी शीरो घूम कर तो आ ही चुका है। अरे शिनचैन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ऐसा क्यों करते हो तुम? चलो जल्दी से बैठो और खाना खत्म करो, चलो। अरे मिच्ची, तुम्हें भी खाना खाते वक्त नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, इससे खाना खाने का मजा खराब हो जाता है। और तुम क्या करते हो? मैं तो आराम से खाता हूँ और आप दोनों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है शिनचैन इसका जिम्मेदार कौन है? सच में शीरो और शिनचैन की जिंदगी एक जैसी है। शिनचैन को सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर सोते हुए अच्छा लग रहा है। हाँ हैरी, आप सही कह रहे हैं, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारा शीरो भी कुछ ऐसा ही सोचता है।